अगर किसी पक्षी की चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि चोंच के बिना वो कुछ भी नहीं खा सकता। लेकिन बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जो जानबूझकर अपनी चोंच को तोड़ देता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि वह बिना चोंच के भूखा मर जाएगा, फिर भी अपनी चोंच को क्यों तोड़ देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारी वाली वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, बाज 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और बाज अपनी न्यूक्लियर चोंच से बड़े शिकार को भी चीर फाड़ सकता है। लेकिन एक बाज की उम्र जब 30 से 35 साल हो जाती है तब इनके पंख भारी होने लगते हैं और साथ ही इसके चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है। इस कारण बाज न तो ढंग से उड़ पाता है और न ही शिकार कर पाता है और उसके मौत के दिन करीब आने लगते हैं। तब बाज अपनी समझदारी दिखाकर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है और पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। 3-4 महीने भूखे रहने पर बाज की नई चोंच उगाती है और बाज अपनी नई चोंच से पुराने पंखों को उखाड़ फेंकते हैं और उसके 2-3 महीने बाद ही उसके नए पंख उगाते हैं। 6 से 7 महीनों की इस संघर्ष भरी जिंदगी से गुजरने के बाद बाज एक बार फिर से आसमान पर राज करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे दोस्तों, आप किस पक्षी को पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर।